नमस्कार दोस्तों, 3 फरवरी 2019 को लेवल असिस्टेंट का अपना पेपर हो चुका है और आज इसका मैं सॉल्यूशन लाया हूँ बायोलॉजी का। और जो बाकी के सब्जेक्ट हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और जीके, इनका अलग से सेपरेट वीडियो बना के उसके सॉल्यूशन और पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट इन केस इन दिस वीडियो में हम ओनली बायोलॉजी के पेपर के सॉल्यूशन और उनके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, अपने पूर्ण शक्तता शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52, साधारणतया मूसला मूल पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा द्विबीज पत्री यानी कि डाइकॉट्स में अपने मूसला मूल पाई जाती है। रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है, 53 क्वेश्चन नंबर है, रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है अपने फ्लोरिडियन स्टार्च। और अपने 54 नंबर का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देखते हैं, पामेला अवस्था किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा क्लेमाई डोमोनास में अपने पामेला अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इसमें सेब व नाशपति के खाने योग्य भाग है? तो इसका खाने योग्य भाग होगा थैलेमस यानी कि पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, जो कि जीके का भी एक क्वेश्चन है और अपने बायो के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन क्या है, जैविक विविधताओं पर सम्मेलन है, प्रथम अर्थ समिट हुआ? तो अपना इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जनेरियो 1992 ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने वह प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा बालसम एक माउंटिंग एजेंट है जो कि स्थायी स्लाइड्स के लिए यूज में लिया जाता है, ये एक जाति है, कौन सी जाति से आता है? ये एबीज इसकी जाति है, एबीज आंसर होगा इसका कनाडा बालसम का। नेक्स्ट है, स्टोलेन इज ए भूस्तरी क्या होता है? भूस्तरी होता है अपने भूमिगत स्तंभ यानी अंडरग्राउंड स्टेम अपने भूमिगत स्तंभ में आएगा। यह है अपने जो अपने लेब सेंट का पेपर हुआ, थोड़ा मॉडरेट था, ना तो टफ था और ना ही अपने इजी था, लेकिन लास्ट ईयर की तुलना में थोड़ा इजी कह सकते हैं क्योंकि सीधे क्वेश्चन आए थे। लास्ट ईयर थोड़े घुमा के क्वेश्चन आए थे, चार ऑप्शन में मिलाओ मिलान करने वाले ज़्यादा क्वेश्चन में, इसमें ज़्यादा नहीं आए मिलान करने वाले, 2-3 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, इसमें सीधे क्वेश्चन उठ के आए तो उतने सिंपल कहेंगे पिछले साल की तुलना में। वाट इज रोजी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रोजी क्या है? रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और लीची के खाने योग्य भाग्य है अपने एप्पल का आ चुका था, पुष्पासन और लीची में आएगा अपने एरिल, एरिल इसमें लीची में आंसर होगा। गेहूं में 100 पराग कर्ण प्राप्त करने हैं तो न्यूनतम कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो 100 में हम 4 का भाग देंगे तो अपने आंसर होगा 25 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपने चाय का लाल कट्ट रोग किसके द्वारा होता है? कईयों ने लाल शैवाल आंसर किया होगा बट ये लाल शैवाल तो नहीं आएगा इसका, इसमें ग्रीन शैवाल और भूरे शैवाल में कन्फ्यूजन होगा, बट इसका आंसर होगा ऑरेंज ब्राउन, इसमें ऑरेंज तो नहीं है बट ऑरेंज ब्राउन में अपने एलजी आ रही है तो भूरा शैवाल इसमें हो सकता है। इसमें मैं क्लियरली नहीं कहूँगा कि आंसर यही है बट मेरी तरफ से मैं भूरे शैवाल पर टिक करूँगा, तो इसका आंसर हो सकता है चाय का लाल कट रोग अपने भूरे शैवाल। आप चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं क्या आंसर है, मुझे कमेंट में बताएं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो मेरी तरफ से आंसर होगा ब्राउन एलजी। नेक्स्ट है, अपने ज्वार के फल को कहते हैं, ज्वार के फल को क्या कहते हैं? द फ्रूट ऑफ सोरगम इज नोन एज, इसका आंसर 64 में मेरे को लेग्यूम लग रहा है, लेग्यूम इसका आंसर हो सकता है। द सो फ्रूट ऑफ सोरगम यानी कि अपना ज्वार का फल होता है, उसको क्या कहते हैं हम बॉटनिकल लैंग्वेज में? तो उसको हम लेंग्यूम कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, अगर क्वेश्चन मेरी तरफ से आंसर में कोई गलत बताता हूँ तो आप कमेंट में बताएं, मुझे इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया? जो एक बायोसिनोसिस एक वर्ड है, इसको किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा अपने कार्ल मोबियस, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा अपने कार्ल मोबियस, सीधे साइंटिस्ट के नाम आ रहा है। मैंने जो वीडियो बनाए थे, मैंने पूरे वीडियो तो नहीं डाले बट जो भी डाले थे मैंने कहा था कि साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका किसने हर वीडियो में अपने साइंटिस्ट के बारे में बताया, लेकिन पूरे वीडियो बना नहीं पाया तो कुछ हो सकता है छूट गए। इसका आएगा कार्ल मोबियस। जिब्रेलिन को पृथक किया गया, किसमें से पृथक किया गया? तो इसका आंसर होगा अपने जिब्रेलिन को कवक से यानी फंगस से। वह उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने के व्यास में बजाता है, तो डेंड्रोग्राम आ जाएगा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, इसमें थोड़ा मेरे को टाइम लगा लाने में, कन्फ्यूजन हुआ, कुछ गलत हुआ कुछ सही हुआ, इसमें हो सकता है क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए बट मैं श्योर नहीं हूँ, इसको आगे अगले में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको कन्फर्म करके मैं इसको सोल्व करूंगा क्योंकि मिलान करने वाला है, मैं नहीं चाहता आपको कोई गलत आंसर दूँ।
इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 69 लेंगे, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता है? तो पेप्सिन इसका आंसर है, सिंपल सा, क्योंकि ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, लाइपेज, जो कि अपने मुंह से ही अपने भोजन का पाचन शुरू कर देता है, भोजन के प्रोटीन्स का अपने अंदर से भोजन ट्रिप्सिन स्टार्ट करता है। ट्रिप्सिन का एक और पार्ट है काइमोट्रिप्सिन, तो अपने पेप्सिन वो इसमें से अलग हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70 है, प्लीहा, बिलरोस रज्जू, शिरो आलिन गांठ। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं बट इन केस, प्लीहा, बिलरोस रज्जू, क्योंकि शिरो आलिन गांठ होती है, गति निरोधक होती है, दीर्घ गति की पार्ट होता है, मिडल का पार्ट से होता है, ये सब मेरे को सही लग रहे हैं, बट प्लीहा में थोड़ा डाउटफुल हूँ। प्लीहा, बिलरोस रज्जू, ये ए ऑप्शन मेरी तरफ से, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है, कन्फर्म नहीं हूँ मैं, बट हो सकता है प्लीहा, ये ऑप्शन अपने इसमें फिट नहीं बैठे, सम्मिलित नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में क्या सही है? जो अपने विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन विद हार्मोन्स रिलीज बाय ह्यूमन प्लेसेंट। HCG अपने रिलीज होता है, HPL रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, एंड कौन सा है अपने, एस्ट्रोजन अपने रिलीज होता है। एंड्रोजेन तो होगा ही नहीं ऑप्शन में, जहाँ भी एंड्रोजन आ रहा है उसको तो हटा देंगे, तो अपने सेपरेट बच रहा है सी ऑप्शन, HCG, SPG, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें 71 में करेक्ट होगा। और तंत्रिका आवेग के प्रेक्षण के समय अपन ध्रुवण की क्रिया में होता है, तो इसका आंसर होगा K+ आयन का बहिर्व प्रवाह, एफ्लक्स ऑफ K+ आयन्स तंत्रिका आवेग के प्रेक्षण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है, K+ आयनों का बहिर्व प्रवाह इसका आंसर होगा। मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए, मानव जो मस्तिष्क है उसके लिए कौन सा कथन है जो कि गलत है? इसमें से चार ऑप्शन में कौन सा गलत हो सकता है? कार्पस कैलोसम में दो प्रमस्तिक गोलार्धों को जोड़ता है, हाइपोथैलेमस में, ये भी सही है, ये भी सही है, बट अपने ए में मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में दो दृक्पाले होती है, ये अपने इसमें से फिट नहीं बैठता है, तो अपने इसका 73 में हो सकता है, अपने ए आंसर गलत हो सकता है। विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकरण के द्वारा किस भाग द्वारा किया जाता है? तो इसका हो सकता है अपने आधारीय बेसिलर मेम्ब्रांस, इसका आंसर हो सकता है। रेखीय पेशी के लिए वह संकुचित होती है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? ये अपने इसकी साइकोमिया छोटा हो जाता है, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज नहीं होती है मैक्सिमम केसेस में, बट साइकोमियर छोटा हो जाती है, ये बात इसकी सही नहीं लग रही है, तो इसका 75 में डी आंसर अपने हो सकता है। एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था डाउटफुल है, प्लीहा, बिलरोस रज्जू, और एक जो बेने पिलवाया था, ये अपने दो क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है, तो आप इनको थोड़ा सर्च कर ले नेट पे, ये वीडियो में अभी जल्दी में सोल्व करके बता रहा हूँ जो कि मेरे नॉलेज में है। 75 हो चुका है अपने, सार्कोमिया छोटा हो जाता है, ये अपने सही कथन नहीं है, और बाकी के अपने ABC सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, एंड्रोजन का स्रवण करती है, कौन सी कोशिकाएं हैं जो अपने एंड्रोजन का स्रवण करती है? वो है लेडिग सेल्स, अपने एंड्रोजन का स्रवण करती है लेडिग, यानी कि ऑप्शन नंबर भी अपने सही होगा। तो 77 में देखते हैं, बैक्टीरियल डिसीज इन मेंस आर, मनुष्य में जीवाणुवीय रोग कौन कौन से हैं? तो अपने आंसर हो जाएगा अपने इसमें, मलेरिया हम जानते हैं किससे होता है, प्लेग हम जानते हैं किससे होता है, प्लेग का जीवाणु होता है, टाइफाइड का जीवाणु होता है, टाइफस का भी जीवाणु होता है, तो इसमें अपने ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अपने, समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए, वेल के, पक्षी के और मानव के, इसका आंसर होगा अपने ए। नेक्स्ट है अपने, संघ एनिलिडा मोलस्का की योजक, एनिलिडा और मोलस्का की योजक जड़ी है अपने नियोपिलाइना, इसका आंसर होगा नियोपिलाइना, इसका आंसर होगा संघ एनिलिडा मोलस्का की योजक गड़ी कौन सी है, गड़ी कौन सी है, नियोपिलाइना। मूंगा सिल्क किट से, यह असम में एक बागानों में पाया जाता है, एंथेरिया असामा, इसका बोटनिकल नेम है मूंगा सिल्क, अपने एंथेरिया असामा, इस नामक जी कीट से अपने मूंगा सिल्क प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर
81 प्राणी में कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? सबसे ज्यादा अपने आरएनए की प्रचुरता पाई जाती है आरएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आरआरएनए। मेंडल के प्रयोग में द्विसंकरण लक्ष्य प्रारूप का अनुपात था, तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी 9331 में गोल पीले सबसे पहले आएगा, फिर आएगा झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, और फिर आएगा गोल हरे और झुर्रीदार हरे। मेरे को क्वेश्चन नंबर बी सही लग रहा है, बट ये हो सकता है क्वेश्चन डिलीट कर दे, क्योंकि झुर्रीदार पीले पहले आए थे और गोल हरे बाद में आएंगे ऑप्शन में। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है जो मिलान करे, बट इसमें जो पूरी चीज़ें इसमें आ रही थी, तो ये ऑप्शन बी सही हो सकता है, क्योंकि 3-3 में बातें सेम अनुपात है, तो इसमें चाहे इधर करो या इधर करो, हो सकता है गलत नहीं माना जाए, बट इनकेस हो सकता है कि क्वेश्चन इसमें डिलीट कर दे ये, अगर किसी को आपत्ति होगी तो हो सकता है कि क्वेश्चन डिलीट हो जाए, बट अपने बी आंसर में सारे ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें 3-3 के अनुपात में, झुर्रीदार पीले गोल हरे और गोल पीले झुर्रीदार हरे, तो ऑप्शन नंबर बी जिसने किया हो सकता है सही हो, और इसने गलत भी किया हो तो हो सकता है उसका क्वेश्चन डिलीट होने की नौबत आ जाए। देखते हैं मंत्रालय क्या करता है इसमें फाइनली। आगे देखते हैं अपने सिंड्रोम्स, ये तो सिंपल सा है, जिसने सिंड्रोम के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा ये क्वेश्चन उसको आसान लगेगा। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 × 69 में परिवर्तन के कारण होता है, और पटाव सिंड्रोम 13 में, टर्नर सिंड्रोम 2X, इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ट्राइसोमी 21 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा एक्स गुणसूत्र अपना मिसिंग हो जाता है गुणसूत्रों में, तो अपने टर्नर सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है। क्लाइनफेल्टर का अपने जानते ही हैं, एक्स की पुनरावृत्ति होती है, एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से अपने क्लाइनफेल्टर होता है, तो अपने टर्नर, ये सी ऑप्शन अपने इसमें सही हो जाएगा, यानी कि गलत है जो कि अपने सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी टर्नर सिंड्रोम ये इसमें मिलान नहीं करता है, इसमें आएगा एक्स गुणसूत्र की मिसिंग इसमें आंसर होगा, टर्नर सिंड्रोम इसका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 84 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है? समतापी में देखेंगे हम कौन सा है समतापी में, अपने वेहल कबूतर चमगादड़, वेहल कबूतर चमगादड़ ये हो सकता है, वेहल एक ही कबूतर चमगादड़ एवीज में आते हैं, क्रोकोडाइल एलिगेटर अपने रेप्टाइल्स में आते हैं, चमगादड़ तो एवीज में आता है, ये अलग प्राणी आ गया, हिप्पो के में चमगादड़ एलिगेटर ये भी नहीं आएगा, वेहल एलिगेटर ये अलग अलग हो गए अपने, मेरे को लग रहा है ए ऑप्शन इसका हो सकता है सही हो, इसका डिटेल में देखना पड़ेगा पूरी थ्योरी में, फिर भी एफ ऑप्शन इसको सही लग रहा है, अगर तर्कवाइज देखें तो ए ऑप्शन अपना सही हो सकता है, वेहल कबूतर चमगादड़। तो ये तो अपने हो गए बायोलॉजी के अपने क्वेश्चन आंसर, बाकी के मैं अभी फिजिक्स में थोड़ा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि न्यूमेरिकल हैं आधे क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कल तक परसों तक दो दिन कल तक मैं पूरी कोशिश करूँगा फिजिक्स को केमिस्ट्री के सभी वीडियो सोल्यूशन के साथ आपके सामने प्रोड्यूस करूँ। ये अपना था अपने बायोलॉजी का, तो नेक्स्ट आप वेट करिए, जब तक आप सर्च करिए क्वेश्चन सोल्व करिए, और कल देखते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, लास्ट ईयर के पेपर की तुलना करेंगे साथ में ही, तो बेस्ट ऑफ लक आप गाइज, आपको थैंक यू।